Hello everyone, welcome back to my channel, it's story time, और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? क्या हम एक डोंकी की स्टोरी सुनेंगे? No. फिर आज हम एक बैर की स्टोरी सुनेंगे? No. आई थिंक आज हम एक गर्ल की स्टोरी सुनेंगे? No. आज तो हम सुनेंगे एक जगह की स्टोरी जिसका नाम है बोंडपल्ली। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स ऑल सिंग द स्टोरी सॉन्ग। इट्स स्टोरी टाइम, टाइम टू हैव सम फन। It's story time. Let's all have some fun. Yay! Let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है A Silly Story of Bondapalli और इसे लिखा है शमीम पदमसी ने और इसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ किया है अशोक राजगोपालन ने। ओह वाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम किसी पैलेस में आ गए। और ये कौन है? ये तो है एक प्रिंस जी। हेलो मिस्टर प्रिंस, हाउ डू यू डू। बहुत पुरानी बात है, जब एक छोटे से महल में रहते थे एक राजा, एक रानी और एक राजकुमार, यानी कि एक प्रिंस। राजा और रानी को खाना खाना बहुत पसंद था, लेकिन प्रिंस जी, अरे भाई नहीं, वो तो थे बिल्कुल नखरे वाले। जब भी उनके सामने खाना आता तो वो कहते, उफ नहीं खाना मुझे, ले जाओ इसे यहाँ से। एक दिन गुस्से में आके महारानी जी ने कहा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते ये प्रिंस जी के नखरे। एक दिन महारानी जी तेज तेज चलती हुई गई शाही किचन के अंदर और जोरों से पैर रखते हुए उन्होंने खाना बनाने वाले अंकल की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, कुक जी कुछ ऐसा बनाओ जो प्रिंस जी खा सकें, अगर वो ना खा पाए तो तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा। ये बात सुनकर बेचारे कुक जी तो कुछ ज्यादा ही घबरा गए। पूरी रात उन्होंने खूब मेहनत की, कभी किया उन्होंने चिप चॉप, कभी किया उन्होंने बॉयल बेक, कभी किया उन्होंने स्लाइस, कभी किया उन्होंने डाइस, कभी की उन्होंने कोशिश और कभी किया उन्होंने फ्राई। जब बेचारे कुक जी को कुछ समझ नहीं आया तो फिर किया उन्होंने क्राई। लगता है होने वाला हूं मैं डाई। पर जैसी ही हुई अगली सुबह और मिस्टर सन तो बाहर निकल आए, तो हमारे मुर्गे जी भी बाहर निकल आए क्या करने, अरे बांग देने। कुकुड़ू कू की आवाज सुनते ही डॉगी ने लगाया जंप और वो जाके गिर गया कैट पे, और कैट ने लगाई जंप और वो जाके गिर गई कुक पे। जब बिल्ली गिरी कुक पे तो कुक भी गिरे किस पे, अरे एक चम्मच भर के बैटर पे, और ये बैटर गिरा प्लॉक गर्मा गर्म तेल में। जब ये बैटर गिरा तेल में तो ये तो हो गया गोल गोल एकदम बॉल की तरह। तो कुक जी ने जब इसे खाया तो अंदर से था क्रिस्प और बाहर से था सॉफ्ट एकदम बढ़िया। जब रॉयल फैमिली खाने बैठी इस गोल गोल से बॉल को, तो कुक जी जाके पीछे खड़े हो गए, अपने सर को जोर से पकड़े कि कहीं महारानी को पसंद ना आया तो कहीं ना उड़ा दे इसे। जब ये गोल्डन रंग के गर्मा गर्म बॉल्स खिलाए गए प्रिंस को, तब पहले उन्होंने स्निफ किया, फिर उन्होंने निबल किया, फिर उन्होंने गोबल किया, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, और खाते ही गए। इन गोल्डन बॉल्स को खाकर प्रिंस जी के मुंह से निकला बॉन्डफुल। तब किंग जी कहने लगे, हाँ बेटा ये है एकदम वंडरफुल। तब क्वीन चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे नहीं, इसने कहा बॉन्डफुल, यानी कि ये है बॉन्डा। तब कुक जी ने बोला, हा, रानी साहिबा ये है बॉन्डा, और कहकर भाग गए वो किचन के अंदर। इस दिन के बाद से प्रिंस जी ने सुबह दोपहर शाम सिर्फ बॉन्डाज खाए।
बाकी सारे के सारे लोग भी महल के अंदर सुबह दोपहर शाम सिर्फ बॉन्डाज ही खाते रहे। सारे के सारे लोग बॉन्डाज खा खा के गोलम गोल होने लगे, बिल्कुल बॉन्डाज के जैसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने गोल दरवाजे बना लिए और गोल बिस्तर बना लिए और गोल चेयर्स भी। तो भाई साहब, इस दिन के बाद से इस किंगडम का नाम पड़ गया बोंडापली। हर जगह बोंडापली में आपको बोंडाज मिलेंगे। हर दुकान में थोड़े स्वीट बोंडाज, थोड़े सॉल्टी बोंडाज, थोड़े छोटे बोंडाज, कभी बड़े बोंडाज। हर तरह के लोग बोंडाज को खाया करते थे और सब के सब बहुत खुश थे। वो बोंडाज खाकर कभी नाचते डिंक चिक्का और कभी सो जाते और फिर उठकर दोबारा बोंडाज खाते। जिंदगी बोंडापली में बन चुकी थी बोंडाफुल। फिर चलकर देखे बोंडापली में और क्या क्या हुआ। लेट्स गो एंड सी। बोंडापली बोंडापली बड़ा बोंडाफुल, बोंडा यहाँ खाओ और करो टमी फुल। हाँ भैया, करो टमी फुल। बोंडापली बोंडापली बड़ा बोंडाफुल। जब साथ वाले किंगडम के राजा जी को इस बात की न्यूज पता चली तो वो बड़े गुस्से हो गए। साथ वाले किंगडम के लोग तो थे बड़े पतले और फिट और उनके चेहरे थे लंबे लेकिन उदास। और ये साथ वाले किंगडम के राजा जी भी यही चाहते थे कि अरे भाई, मेरे लोग भी तो खुश हो जाएं, गोल हो जाएं और बोंडाफुल भी। तब राजा जी ने सोचा, मैं जाके बोंडापली को हासिल कर लूंगा, मेरी हो जाएगी बोंडापली। और यही सोचकर उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेज दिया, जो सोल्जर्स थे थोड़े लीन थोड़े मीन और उनके पास थी फाइटिंग मशीन। जब इस बात का पता चला हमारे बोंडापली वाले प्रिंस को, तो उन्होंने जोर से बुलाया, अरे मेरी आर्मी बुलाओ जरा। तब बोंडापली के सोल्जर्स हांफते हांफते पहुंचे किसी तरह पैलेस में और प्रिंस जी ने देखा, अरे ये तो सारे के सारे गोल गोल हैं, राउंड राउंड, बिल्कुल बॉन्डे की तरह। वो साथ वाले सोल्जर्स जो लीन और मीन हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे ये। फिर दिमाग लड़ाते हुए प्रिंस जी ने अपने मंत्री से कहा, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, और चले गए ऊपर पैलेस के ऊपर, अरे भाई अपने दुश्मनों को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही कुक जी गर्मा गर्म बोंडाज लेकर आए एक प्लेट में, तो प्रिंस जी देखने लगे उस प्लेट की तरफ और कहने लगे, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो नीचे गिर गए दुम दड़ाम दुम दुम करके। जब प्रिंस जी बाउंस करते हुए नीचे गिरे बिल्कुल एक बॉल की तरह, तो मंत्री जी ने उनकी तरफ देखा और कहने लगे, अच्छा यही ऑर्डर्स हैं मतलब। तब उन्होंने अपने सोल्जर्स की तरफ देखा और कहने लगे, ऑन योर मार्क्स गेट सेट माउंट। सोल्जर्स ने अपने आप को गोल मोल सा कर दिया और बाउंस करने लगे, पॉइंग पॉइंग पॉइंग, और बाउंस करते करते ये कहां गिरे, अरे भाई बैटल फील्ड के अंदर। जब पैलेस के बाहर खड़े हुई ये दुश्मन सेना ने देखा, सैकड़ों ही सैकड़ों बॉल्स उनकी तरफ आ रहे हैं ऐसे करके, तो सारे के सारे डर गए। अरे वो सोचने लगे, कहीं ये बड़े बड़े बम के गोले तो नहीं। किसी ने कहा, नहीं नहीं मुझे लगता है ये तो राक्षस है। अरे भाई सब के सब डर गए ये बड़े बड़े बॉल्स को देखकर। जब बोंडापली के सोल्जर्स बाउंस करके दुश्मन पे गिरे, बॉइंग, तब दुश्मन आर्मी के लंबे पतले सोल्जर्स तो नीचे गिर गए, पुफ। बोंडापली के सोल्जर्स फिर घोड़ों पे जाके गिरे, बॉइंग बॉइंग, और उनके पतले लंबे घोड़े भी नीचे गिर गए, उफ। जब बोंडापली के सोल्जर्स उनकी मशीन्स पर जाकर गिरे, बॉइंग बॉइंग बॉइंग, तो उनकी मशीन्स जितनी बढ़िया थी वो सब टूट गई, क्रंच क्रैश। प्रिंस जी ने फाइनली बाउंस करना बंद किया और वो सीधे खड़े हो गए और फिर अपना क्राउन भी ठीक किया। इधर उधर देखकर फिर वो कहने लगे, मुझे भूख लगी है। सारे के सारे आ जाओ और बोंडा खा जाओ। रॉयल कुक जी ने फटाफट प्रिंस जी के ऑर्डर माना और भागते हुए किचन में गए और गरम गरम बोंडाज लेकर आए और फिर
क्वीन जी और किंग जी और प्रिंस जी और सारे के सारे लोग जो बैटलफील्ड में थे, अरे भाई दुश्मन आर्मी भी, उनके सोल्जर्स भी बैठ गए और सब ने मिलके खूब सारे बोंडास खाए। और फिर जोर से सब एक साथ मिलके चिल्लाए, बोंडास जिंदाबाद, बोंडापल्ली जिंदाबाद, बोंडापल्ली बोंडापल्ली बड़ा बोंडाफुल, बोंडा यहाँ खाओ और करो टमी फुल, हाँ भैया करो टमी फुल, बोंडापल्ली बोंडापल्ली बड़ा बोंडाफुल। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।